वुड फायर पिज्जा बहुत जगह लिखा हुआ है, ये मेरा फेस है और ये पिज्जा है। लोग थोड़े ज्यादा हो जाए ना, बहुत अच्छा माहौल जम सकता है, लो हेल्दी है, तो आपको कैफे में ऐसी चीज मिल रही है। So we are here for our first cafe, जिसका नाम है मामा सीता कैफे। मामा सीता और ये है सप्तऋषि घाट के जस्ट सामने पुष्कर लेक पर। और जो कैफे का व्यू है बहुत सुंदर है, पता नहीं लेकिन कैफे खाली क्यों है, क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह नहीं है यार। हाँ 12 भी नहीं बजे अभी शायद, इसीलिए 11 बजे खुलता ही होगा अभी। तो हमने दो तीन चीज़ें ऑर्डर करी है। अच्छा एक बात जो हमने नोटिस करी पुष्कर में कि यहाँ पे ना वुड फायर पिज्जा बहुत जगह लिखा हुआ है, वुड फायर पिज्जा मिलते हैं यहाँ पर। नॉनवेज आपको पता है नहीं मिलता है, उसका तो है ही नहीं। तो हम अपना फर्स्ट डे का फर्स्ट मील एंड फर्स्ट कैफे एंजॉय करने वाले हाँ। और जब ऑर्डर आएगा आपको बताएंगे हमने क्या क्या मंगवाया है, तब के लिए बने रहिए। चीयर्स। तो मैंने अपने ड्रिंक के लिए मंगवाया है तो मैंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैंने ड्रिंक्स में मंगवाया है कोल्ड कॉफ़ी, और अनिकेत ने मंगवाई है मैंगो लस्सी। बच्चा है क्या, छोटी बच्ची हो क्या? बेहतरीन। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा है क्योंकि मुझे कम चीनी और कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट बढ़िया है। यहाँ के आम ना खट्टे हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि लस्सी थोड़ी खट्टी है। मंगवाई तो मैंने स्वीट ही थी, अरे थोड़ी सी सौर निकली, सार निकली, बट कोई नहीं। और ठंडी भी कम है, मे बी शायद कैफ़े अभी खुला है इस वजह से ठंडी कम है, इन पर बर्फ़ बर्फ़ नहीं होगी। बाकी खाना जो है वो टेस्ट करने लायक है। हमने यहाँ पे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे इनके वुड फायर पिज्ज़ा और ऑब्वियसली फेमस है। तो हमने जो इनका पिज्ज़ा मंगवाया है वो है इट्स ह्यूज। ये मेरा फेस है और ये पिज्ज़ा है, देख रहे हो आप? मेरे को लग रहा है हम ख़त्म ही कैसे करेंगे इसको। तो ये हमने मंगवाया है शेफ स्पेशल पेपरोनी पिज्ज़ा। पेपरोनी नहीं है, मतलब इसके अंदर है कैप्सिकम, अनियन एंड चीज़। तो दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इट्स अ वुड फायर पिज्ज़ा और लुक एट द बेस, कितना ही ज़्यादा पतला और अच्छे से एकदम कुक्ड है, यम्मी लग रहा है बहुत। तो मैं फर्स्ट बाइट ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ फर्स्ट बाइट। इसके ऊपर सॉस है ना, ये बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। और इसका चीज़ भी उम्दा, अलग टेस्टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्ट ट्राई। खाना तो हम खा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं अपना। ये जहाँ हम बैठे थे वो एकदम लेक व्यू था, लेकिन यहाँ बैक साइड भी मैंने अभी देखा, नोटिस करा तो बहुत अच्छा, यू नो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। कैफ़े बहुत बड़ा है, कैफ़े बहुत बड़ा है और सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। इधर आके देखूँगा। शाम को यहाँ पर अगर लोग थोड़े ज़्यादा हो जाए ना, बहुत अच्छा माहौल जम सकता है। ला रहे हैं दिल्ली वालों को, आओ। So we are here at our next destination, जो कि है वल्लभ घाट के पास। डॉक्टर अकेले हैं, डॉक्टर अलोन कैफे। हमें किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था हमें यहाँ पे कि यहाँ पे आना, और पहले जब हम यहाँ से एंटर कर रहे थे तो हमें लगा काफ़ी नॉर्मल सा कैफे है, बट हम जैसे जैसे अंदर गए और जब सामने हमने व्यू देखा, ओह माय गॉड,
इतना सुंदर कैफे बना रखा है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें होती है लेकिन वो घाट के उस किनारे पे सड़ते बैठ कर आप लोग बढ़िया खाना खा रहे हैं और टाइम भी दो वहाँ पर। अभी तो हम बस जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हाँ। और देखते हैं खाने में क्या व्यू तो हमने देख लिया, हमने बाहर वीडियो बनाना है कि बाहर वीडियो बनाएंगे घाट के पास और अब अंदर जाएंगे और प्रॉपर खाएंगे खाना। ओके आपको बताते हैं, चलो। हमारा ऑर्डर आ चुका है अभी, हम बहुत शांति में एकदम ऐसे एंजॉय कर रहे थे यहाँ घाट। और हमारा ऑर्डर आया है, ये है इजरायली फूड। हमने बेसिकली फलाफल और पीता ब्रेड का प्लेट ऑर्डर किया था जिसके अंदर हमें हमस मिला है, ये फलाफल बॉल्स मिले हैं और साथ टिक्कियां, साले चिप्स, इन यहाँ पे इनको चिप्स बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज को, और पिज़्ज़ा ब्रेड। पिज़्ज़ा ब्रेड की यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी, आई मीन इसका टेक्सचर यहाँ पर भी अलग है, और हमने जो कल मतलब हमने एक बार इजरायली फूड पहले खाया था उसका भी अलग है, और हमने जो पिज़्ज़ा ब्रेड दिल्ली में खाया है वो भी अलग है। तो और सबसे बड़ी बात, मैंने मंगवाया अपने लिए डॉक्टर लेमोनाना, ये बहुत ही अलग है। चटनी नहीं है, ये बहुत पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर है इसके अंदर, और आइस क्रश्ड है प्रॉपरली, मीठा फ्लेवर है लेकिन इतना रिफ्रेशिंग है ना, एक्चुअली बहुत अच्छा है। और मैंने मंगवाया न्यूट्रेला शेक, और ये हर जगह जाके शेक से पीता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, गर्मी है आज तो ठंडा ठंडा ये बहुत अच्छा लग रहा है, खिला रही है उनको। मैं एक बार ना इसके साथ ना सारा सैलेड लगाती हूँ, यहाँ की जो पीटा ब्रेड है वो थोड़ी टाइट है, चूइंग करते हुए फील हो रही है कि टाइटनेस, जबकि मोटी कुछ जगह फ्लफी है यहाँ पर, तो मीन्स अलग फलाफल और ये सब हर जगह मिलते हैं बट सबका अलग अलग मेरे बनाने का वो है तरीका, सबका अलग अलग है। हमारा जो दिल्ली में पीटा ब्रेड मिलता है वो बहुत पतली एकदम अंदर पॉकेट जैसा होता है उसके अंदर, जो रैप आते हैं हमारे यहाँ तो पतले वाले रैप टाइप में मिलता है बट यहाँ काफ़ी अलग है, वैसे फ्लफी है, चुइंग में पता चलता है कि थोड़ा टाइट है यहाँ वाली डॉक्टर लोन की, टेस्ट वाइज गुड। तो इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं खाने के लिए, पिज्ज़ा है, वुड फायर ओवन पिज्ज़ा, ओवन पिज्ज़ा तो यहाँ मतलब हर कैफेज में है बट, और हमने यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया, पिछले कैफे के लिए हमने ऑर्डर किया था पिज्ज़ा, और बाकी सीजन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, अभी ऑफ सीजन है तो ज़्यादा चीज़ें नहीं थी इनके पास, जब सीज़न होगा यहाँ का होली के टाइम या थोड़ा सर्दियों के टाइम पर बहुत कुछ मिलेगा खाने के लिए, इंडियन भी मिलेगा और साथ में पिज़्ज़ाज भी अलग अलग मिलेंगे और पास्ताज बहुत सारे हैं इनके पास, बट वही है कि अभी नहीं अवेलेबल नहीं है। तो कंप्लीट करते हैं हमारा फूड और चलते हैं फिर नेक्स्ट कैफे की ओर। नेक्स्ट स्पॉट, तो बात की जाए तो पुष्कर के कैफेज़ की ना वाइब ही अलग है, मतलब हर तो हर मेन्यू में इजरायली फूड, इटालियन फूड और ऐसे ऐसे फूड डिशेस की हमने खुद नहीं सुने हैं, और तो इसी तरह ढूंढते ढूंढते गलियों में पुष्कर की मार्केट थी, हमने ये कैफ़े सर्च किया है, दिस इज़ द बुद्धा कैफ़े, ये लाफिंग बुद्धा नहीं है, लाफिंग बुद्धा मेन मार्केट में अलग है, ये द बुद्धा कैफ़े है, और हमने यहाँ पर दो चीज़ें ऑर्डर करी है, एक तो बनोशपा है और एक वेज मोमोज हमें कहीं ही नहीं मिला, बट हमें यहाँ पे मिला मोमोज तो इसलिए हमने उसको ऑर्डर करा, बनोफे पाए खाते हैं फिर हम मोमोज ट्राई करेंगे। ऊपर कोकोनट फ्लेवर है, यहाँ कोकोनट है बहुत ठंडा है, नीचे एक बेस है,
इसके ऊपर कोकोनट का क्रश है, नीचे एक बेस है और ऊपर कुछ क्लियरी क्लियरी, बहुत बहुत ही यम्मी फ्लेवर है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मोमोज खाते इसके बाद. सो साथ में हमें यहाँ पर एक चीज़ और मिली है, वो है इनका होममेड ग्रेनोला. ये जैगरी ओट्स एंड काफ़ी सारे वॉलनट्स और किशमिश, मेरी फेवरेट, साथ में मिला और इसके ऊपर एक आइसक्रीम की टॉपिंग इन्होंने दिखाई है. और मार्केट में भी इस चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्रश्ड है और सबसे बड़ी चीज़ यू नो हेल्दी है. और आपको कैफे में ऐसी चीज़ मिल रही है. गुड. और आइसक्रीम के साथ का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है. हमने म्यूजली भी खाई थी आइसक्रीम के साथ, बट आई थिंक ये बेटर है. हैज नाइस टेस्ट. तो हमने आपको उस पूरी वीडियो में तीन कैफेज दिखाए, तीन. लेकिन हमें ना, मेरे को मोमोज की बहुत क्रेविंग हो रही थी और हमें यहाँ पे मोमोज और हुमोस में बहुत कंफ्यूजन हो गया. बट कोई बात नहीं, अच्छा था इनका हुमस और पीता ब्रेड भी. तो आप पक्का आना बुधा कैफ़े में. तो हमने इस वीडियो में बेसिकली तीन कैफ़ेज़ कवर किए हैं. तीनों कैफ़ेज़ बहुत अच्छे थे, तीनों में रिकमेंड करूँगी जाइए. मामा जी का बहुत अच्छा था. तो हमारा थोड़ा इशू ये रहा क्योंकि हम ऑक्सीजन गए थे तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स थे जो हमें नहीं मिल पाए, जो अवेलेबल नहीं थे. तो बहुत बेसिक आइटम्स अवेलेबल थे. ओके. और बाकी बहुत अच्छे कैफेज है. लापिस एरिया में जाना था बट हमें हमारी वापस जाने की बस है और हम लेट हो रहे हैं, इसीलिए हम लापिस एरिया नहीं गए. मैंने लापिस एरिया का मेरा बहुत मन था. बाकी प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना. हम और कहीं जाते रहेंगे ऐसे ही अलग अलग जगह. ओके, बाय बाय.